हरियाणा के हिसार में नई सिटी बस सेवा शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम की नई सिटी बस सेवा से शहर की 40% आबादी को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से हिसार में 4 नई सिटी बस चालू की गई हैं। इससे पहले भी निगम 4 बसों का संचालन कर रहा है। नगर निगम के मेयर गौतम सरदाना ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने बस संचालकों को जनता के साथ मृदु भाषा का प्रयोग करने सहित अन्य निर्देश दिए। मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि शहरवासियों को लेकर आज 4 सिटी बसें चलाई गई हैं, जबकि 4 सिटी बसें पूर्व में चल रही हैं। मिलगेट एरिया के लोगों की मांगों को देखते हुए 2 सिटी बस स्टैंड से रायपुर स्टेशन के लिए चलाई गई हैं। इस क्षेत्र में शहर की 40% आबादी रहती है, जिसका इन बसों को सीधा फायदा होगा। वहीं कैंट वे तोशाम रोड पर आधार अस्पताल तक एक एक बस चलाई गई है, जिससे इन रूटों पर 2-2 बसें हो गई हैं। बसों में 5 और 10 रुपये किराया लिया जाएगा। जनता से अपील है कि सिटी बसों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। भविष्य में शहरवासियों की मांग को देखते हुए सिटी बसें बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। सिटी बसों के लिए ऑटो संचालकों के विरोध के बारे में मेयर ने कहा कि ये जनता का अधिकार है कि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले। ये जनता के ऊपर है कि वो ऑटो का प्रयोग करते हैं या सिटी बसों का। ऑटो चालकों को अगर ऑटो संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उन्हें भी दूर किया जाएगा। निगम आयुक्त अशोक गर्ग के अनुसार शहरवासियों को सुविधा देने के लिए सिटी बसें चलाई गई हैं। इससे जनता को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, इसलिए 5 रुपये और 10 रुपये किराया किया गया है। कई बड़े शहरों में सिटी बसें चल रही हैं और कामयाब हैं। हमारे यहाँ मौजूदा समय में 4 सिटी बसें विभिन्न रूटों पर चल रही हैं और 4 आज चलाई गई हैं। उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि सिटी बसें शहरवासियों को पसंद आएंगी। आज हमने 4 सिटी बस का उद्घाटन किया है, जो शहर की पिछले काफी वर्षों से डिमांड थी। 4 हम पहले भी बसें चला चुके हैं पिछले वर्ष, तो उसकी कामयाबी आपके सबके आ गई है कि लोगों ने सराहना बहुत की और सफल जो हमारा एक प्रयास रहा। अब 4 बसें आज हमने और जो हैं जनता को समर्पित की हैं, जो 2 बसें मिलगेट रोड वाली साइड जाएंगी रायपुर रोड तक, और 1 बस तोशाम बाईपास तक, और 1 बस कैंट एरिया तक। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हमारी नगर निगम की सिटी बसें पूरे शहर में सड़कों पर दौड़ें और जनता को इसकी सुविधा हो, और जायज़ जो रीजनल रेप जो रखे गए हैं उस पर जनता जो है अपनी यात्रा करे। मैं हिसार की सभी हिसार वासियों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो पहले सिर्फ मांगे ही रखी जाती थी, अब ये पूरी जो हो रही हैं, ये सब हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब और पूरी टीम और पूरे पार्षदों की टीम जो चुनकर जनता ने भेजी, सभी का सहयोग से ये सब कार्य संभव हो पा रहे हैं। देखिए, ये सिटी बसेज का आज का नहीं पुराना ही शहरवासियों का और एक सभी का एजेंडा था कि जनता को सुविधा देने के, क्योंकि दूर के एरिए तक किराए ज़्यादा लगते थे। अब कैंट से कोई आता है तो उसका कोई आपको पता है कि कितना किराया लग जाता था, और सुविधा भी समय पर नहीं थी। अब ये बसें जो चली हैं, ये सुविधा मिल गेट तक और रायपुर रोड तक कोई बस नहीं जाती। आज जो बस चली है वो उन लोगों को सुविधा देने के लिए है। आप सब देखते हैं कि वहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं। सभी जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग, जो मजदूरी वाले लोग, उनके लिए बसें काफ़ी कारगर सिद्ध होंगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.